जय हिंद स्टूडेंट, आज की क्लास करेंगे कंप्यूटर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हॉस्टल वार्डन में आपको हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों का। तो कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग अपना टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट है ना, पहला सीरीज वन है। ये क्वेश्चन आपकी व्यापम में कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2019 के एग्जाम में कई बार पूछा है, पूरे विगत वर्षों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए, पहली बार आए तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टेस्ट वीडियो देखने के लिए, ठीक है। पूरा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पूरा टेस्ट रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। ऐसा कौन सा मान्य वीडियो है जो डिसोल्यूशन यानी कि इन्वर्टेड वीडियो को संदर्भ करता है, इसका आंसर कौन सा हो जाए, इसका आंसर होगा 800 से 680 के बीच, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सेकंड का आंसर क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था सॉफ्टवेयर का उपयोग सबसे पहले, डेनिस रिचे, विंस्टन टूके, रोनाल्ड डोकी या जॉन बी टूके। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक। सभी लोग जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, इसका आंसर क्या, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेस्ट है। इसका आंसर डी होगा, जॉन बी टुके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संयुक्त भर्ती परीक्षा 2000 एग्जाम में पूछा गया था, संयुक्त छत्तीसगढ़ का। और तीसरा क्वेश्चन है कि खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग यानी कि किसका सपोर्ट, किसका प्रदर्शन किया जाता है, तो हाइपर थ्रेडर सिस्टम बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग, रोम या हार्ड डिस्क। इसका आंसर होगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। ऐसा कौन सा भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट की आवश्यकता नहीं होती, तो भाषा यानी कि लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो कमेंट करके बता देंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ये पूरा टेस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 है ना, पूरा प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद की यानी कि ट्रांसलेट की आवश्यकता होती नहीं है, तो मशीन को होती है। बाकी उच्च स्तर भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट की आवश्यकता होती है, चौथी पीढ़ी को होगी, असेंबली भाषा को होगा, लेकिन मशीन जो है उसको भाषा को समझने की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक। आईबीएम, आईबीएम क्या है, इंटरनेट बिजनेस मशीन यानी कि स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर यानी कि ASCII का फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा, मार्क वन, ठीक। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मार्क वन, ओके। एक कंप्यूटर में खाली स्थान से पंखा यानी कि फैन जुड़ा होता है, मतलब किससे जुड़ा होता है, रैम से, वीडियो से, रोम से, सीपीयू से, और फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फंक्शन यानी कि F1 से F12 तक आप लोग फंक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। और बाकी और भी तैयारी करना चाहते हैं जैसे शिक्षक भर्ती, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचालक, जितने भी CG व्यापम से जुड़े वैकेंसी हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर कराया जाए, पूरा प्रैक्टिस सेट है, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। पंखा किससे जुड़ा होता है, पंखा CPU से जुड़ा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डी में, ठीक। रैम का पूरा क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम यानी साइक्लिंग ड्रम होता है, जिसे तस्वीर का यानी फोटोग्राफर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेजर प्रिंटर में ही होता है बेलनाकार ड्रम, ठीक, याद रखना। जब बेलनाकार ड्रम पूछा जाए तो वहां पर आप क्या लगेंगे, लेजर प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर किससे संबंधित होता है, तो पेज प्रिंटर से, याद रखना, पेज प्रिंटर। प्रिंटर का भी MCQ कराया है हम आपको, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए या फिर हमारे यूट्यूब में सर्च कीजिएगा मैथ्स एजुकेशन बाय रूपेश सर के नाम से, आपको हमारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक। गोल्ड पॉल किसके लिए है, गोल्ड पॉल डेजी विल प्रिंटर। कौन सा एक अमान्य यू यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुफ्त में फ्री में है ना, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आप लोग माई एक्सेल जो सॉफ्टवेयर फ्री में नहीं है, क्योंकि उबंटू फ्री है, डेस्कटॉप फ्री है, उबंटू फ्री है, लेकिन जो माई स्कूल है वो फ्री नहीं है, ठीक है। फ्री में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जब आप YouTube में मेरी क्लास देख रहे हो तो डाटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, यही है। कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण वर्जन
संस्करण यानी कि वर्जन नहीं है, कौन सा है? अल्टीमेट, प्रोफेशनल, मैक्सिमम या होम प्रीमियर? इसका आंसर होगा सी यार, मैक्सिमम। ठीक, नोट करेंगे। और वीडियो को 2 बार देखना है, एक बार में कुछ नहीं होगा। एक बार में आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, एक बार वीडियो को ऐसे ही देखिएगा, ठीक। दूसरे बार में वीडियो को प्रैक्टिस करना है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में से कंप्यूटर को बूट करने पर क्या प्रदर्शन करता है? जब स्क्रीन पर क्या दिखता है आपको, जब लॉगिन करते हैं तो क्या दिखेगा? आइकन, फोल्डर, डेस्कटॉप या लोगो? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर आपका होगा डेस्कटॉप। जब भी आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को बूट करोगे तो स्क्रीन पर क्या दिखता है, ये इस प्रकार की स्क्रीन है, उस पर क्या दिखता है? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। ओके, नेक्स्ट। एमएस वर्ल्ड में F2 यानी कि F12 बटन दबाने पर कौन सी क्रिया होती है? अभी आपको बताया, पूरा फंक्शन से आता है क्वेश्चन। सेव एंड डायलॉग बॉक्स, सेव एस, सेव एस कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर। और किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका आंसर पहला होगा। एमएस वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर में पेज की सेटिंग के लिए क्या करते हैं? जब उसको मार्जिन प्रदान करते हैं तब क्या करते हैं? ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, सभी में, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट में, सभी में क्या करते हैं? मार्जिन प्रदान करते हैं। ठीक, इस प्रकार मार्जिन प्रदान करते हैं। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? जब भी आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो किसकी आवश्यकता होती है? मॉडेम, गेटवे, मॉनिटर या पेरिफेरल डिवाइस? तो जब भी आप होम को कंप्यूटर से करोगे तो किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें आ जाएगा मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम क्या है? मॉडेम को क्या बोला जाता है? मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, सब नोट करते चले। फंक्शन की मैं बात करूँ तो फंक्शन एग्जाम में पूछता है कौन कौन सा, इसको नोट कर लीजिएगा। F1, F2, F3, F4, F5। आप बताइएगा F1, F1 क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प। ठीक, F2 क्या करता है? खोल, ये मदद करता है। ठीक, F3 क्या करता है? ओपन। F4 कंट्रोल पर सी। F5, F5 क्या करता है? स्लाइड शो। ठीक, स्लाइड शो। अब उसके बाद मैं बात करूं F6 की, F7 का स्पेलिंग चेक करने का, F8 याद रखना टिबल का, और F9, F10, 11 एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर नोट कर लेंगे। F11, F11 और F12 का, तो F12 किसके लिए काम आता है? सेव एंड डायलॉग बॉक्स। F11 जूम इन जूम आउट के लिए। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? जी बिल्कुल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देंगे। सर्च इंजन का उपयोग करते हैं किसके लिए? सर्च इंजन का उपयोग किसके लिए करते हैं? उपयुक्त सभी, वीडियोस के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, डाउनलोड के लिए। ठीक, 16% है। इंटरनेट में शामिल होने के लिए कौन से कंप्यूटर में जुड़ा होता है? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर होगा इंटरनेट। जब भी देखोगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम, तो किससे छिपा होता है? जो कंप्यूटर वायरस है प्रोग्राम, किससे छिपा होता है? हार्ड डिस्क और ड्राइव से। ठीक, कौन सा काम सॉफ्टवेयर एक बार में आपके कंप्यूटर जमने के बाद अपने इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा वैशिष्ट टॉपिक में विज्ञापन में ऐड कर भेजता है? क्या होगा इसका? बैकडोर, एडवेयर, मालवेयर, बुक्स? तो 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बैकडोर इसका आंसर होगा ए। ठीक, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। और 19 का क्वेश्चन है, क्या है? आमतौर पर गुप्त रूप से यानी कि टाइपिंग कन्वर्टर से कीबोर्ड पर जो कीवर्ड करते हैं ना, रिकॉर्डिंग वाला, तो कीबोर्ड में कौन सा अंजान होता है जिसके कार्य पर नजर रख रहा है? डेनियल ऑफ सर्विस, की लॉगिंग, एक्सपोर्ट या स्कैम? इसका आंसर सभी लोगों का आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, की लॉगिंग। जब भी आप करोगे तो उसको की यानी चाबी से क्या करोगे? लॉक करोगे। इमेज का छोटा रूप क्या होता है? स्मॉल वर्जन को क्या कहते हैं? किप लेटर, बिट मैप, पोर्टेबल नेटवर्क, थंबनेल? जब भी आप इमेज का छोटा रूप देखोगे तो उसको क्या बोला जाता है? थंबनेल। यूट्यूब में क्या देखते हो? थंबनेल। ओके, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट रूप MPG कंप्रेस में उपयोग होता है, किसमें होता है? वीडियो में। ओके, इंटरनेट ऑडियो या वीडियो सिग्नल बिजनेस पहले क्या आवश्यक होता है? जनरेटेड, मैनेजेटेड, ऑर्गेनाइजेटेड? जब भी आप इंटरनेट में ऑडियो या फिर वीडियो सिग्नल भेजोगे तो उसमें भेजने से पहले क्या आवश्यकता होती है? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा, और डिजिटाइडेड। क्या होगा आंसर? सी, डिजिटाइडेड। ठीक,
एक हार्ड डिस्क ट्रेन में विभाजित होता है जब पुनः किसमें उपविभाजित हो जाता है, तो क्लस्टर में, सेक्टर में, वेक्टर में, हार्ड में। इसका आंसर होगा सेक्टर होना चाहिए। आप लोगों का आंसर क्या रहा है कमेंट करके बताएंगे। ठीक, एक जब हार्ड डिस्क होता है ट्रैक में विभाजित होता है तो उसको किससे भाजा, जब ट्रैक से इसको सेक्टर में पुनः विभाजित किया जाता है। ठीक, कौन सा अलग है, सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी या बायोस? क्योंकि देखिए सीडी और डीवीडी आप सभी को मालूम होगा क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है, ये सब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भंडारण क्षमता तो पूछता है सीडी का और डीवीडी का, तो सीडी का कितना आ जाएगा 700 MB, डीवीडी का कितना आ जाएगा, डीवीडी का आपका 4.7 GB। ठीक, डबल पूछेगा 8.5 GB। ओके, ब्लू रे डिस्क का 25 MB या GB कुछ है ना, एक बार देख लीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, फ्लॉपी में सेक्टर या सर्कल ट्रैक क्या होता है, दोनों होता है, सेक्टर भी रहेगा और सर्कल भी रहेगा। ओके, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या है, जब भी आप कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी में फाइल को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहते हैं इसको, सीडी का फुल फॉर्म याद रखना है, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैडम एक्सेस मेमोरी, ये सभी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या आएगा जी इसका आंसर, बर्निंग। जब भी कॉम्पैक्ट डिस्क में फाइल को कॉपी करोगे तो उसकी प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। ओके, कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, ऐसा कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग है जो सिस्टम है, गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। तो क्या आएगा इसका आंसर, चेक आउट, जब भी आप गूगल में पेमेंट का प्रोसेसिंग करोगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, चेक आउट। ओके, आप कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, वेब ब्राउजर कौन है, सभी को मालूम होगा गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है, अल्ताविस्ता एक सर्च इंजन है, जबकि फायरफॉक्स कभी कभी मोजिला को ना देकर फायरफॉक्स पूछ लेगा क्या है ब्राउजर, क्रोम क्या है ब्राउजर, एग्जाम में पूछता है वेब ब्राउजर, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, गूगल, याहू, बिंग, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है, जबकि वेब ब्राउजर क्या है, मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सभी वेब ब्राउजर है। ओके, चैटिंग के उपयोग में बोला इंस्टेंट मैसेजर कौन सा है, जब भी आप चैटिंग करोगे किससे करोगे, यूट्यूब, मैक, अल्ता विषय, गूगल ट्रैक, क्या आएगा, सभी का आंसर आना चाहिए गूगल। जब भी आप चैटिंग के उपयोग में जब इंस्टेंट मैसेजर को डालोगे ना तो गूगल से टैल का आएगा। आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड के बीच बाधा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, फायरवॉल, नेटवर्किंग, इंटरनेट या इंटरनेट, इसका आंसर क्या होगा जी, तो फायरवॉल। ए, तो वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके बताएंगे। टोटल हमने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। अगर आप कौशल वाड़ा में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और जितने भी तैयारी कर रहे हैं कौशल वाड़ा ने, शिक्षक भर्ती, प्रयोगशाला परिचालक है ना, तो चैनल को क्या करोगे फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, और साथ ही वीडियो को शेयर करना जरूरी है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर हमें और प्रैक्टिस सेट चाहिए करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि सर आपका वीडियो हेल्पफुल था। ठीक, ओके, थैंक यू।